फूड चेन के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे सो so, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो अ फूड चेन इज अयर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रो विच न्यूट्रिय एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म सो फूड चेन क्या है फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज़म्स का जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है जैसे ही कोई एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को ईट करता है सो so यहाँ पर एक ऑर्गेनिज़म है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाएगा तो उससे न्यूट्रियस और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है दूसरे ऑर्गेनिज़म में इस तरीके से एक लीनियर सीक्वेंस में ये चलता रहता है इसीलिए इसे हम फूड चेन कहते हैं कैरेक्टरसटिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर में हमारा है अ फूड चेन इन्वॉल्व अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इको सिस्टम देअर अकर्स रिपीटेड ईटिंग फूड चेन में एक तरीके का न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है क्योंकि यहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है सो so उससे वो एनर्जी और न्यूट्रिशन ले रहा है इसलिए यहाँ पर एक तरीके का न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा है अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट फूड चेन हमेशा स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारा है इन अ फूड चेन देयर इज़ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन यहाँ पर स्ट्रेट है और इसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा वो एक तरफ होगा प्लांट से एनर्जी का फ्लो लास्ट तक टॉप कंज्यूमर तक चलता रहता है सो so, यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का इसके अलावा यूजुअली देर आर थ्री और फोर लेवल्स इन अ फूड चेन इन फ्यू केसेस देर में फाइव टू आल्सो सो so, ज़्यादातर केसेस में जो ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं वो आपको तीन से चार देखने को मिलेंगी मिनिमम लेवल पर बट कुछ केसेस में आपको पाँच या छः भी ट्रॉफिक लेवल्स देखने को मिल सकती हैं फूड चेन में और ट्रॉफिक लेवल के बारे में हम डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन की यहाँ पर डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे सो so, पहला टाइप हमारा है ग्रेजिंग फूड चेन जिसे हम प्रिडेटरी फूड चेन भी कहते हैं जितनी भी फूड चेन्स हैं उसमें से मेजॉरिटी में आपको ग्रेजिंग फूड चेन देखने को मिलेंगी नेचर में यहाँ पर जो फूड चेन है वो शुरू होती है फोटोसिंथेटिक प्लांट से जो कि हमारे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और धीरे धीरे करके एक जो फ्लो होता है एनर्जी का वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ होता है यहाँ पर यानी छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म तक यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है सो ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे पहला एग्जाम्पल हमारा है फूड चेन इन पौन्ड जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होगी फोटो प्लांट यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से सो so यहाँ पर जो पौंड है उसमें बहुत सारे फ़ाइटो प्रेजेंट है इसके अलावा रूटेड और फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आएंगे ट्रॉफिक लेवल ये होगी वन इसके बाद ये जो फाइटो है हैं और छोटे छोटे प्लांट्स हैं उन पर फीड करेंगे कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हैं यहाँ पर प्रोटोजोन्स वाटर फ्लीज स्नेल्स मॉस्किटो लार्वी टैटपोल लार्वी ये हमारे ट्रॉफिक लेवल टू में आएंगे इसके बाद ये जो ट्रॉफिक लेवल टू के ऑर्गेनिज़म्स हैं इन पर कौन फ़ीड करेगा इन पर स्मॉल फिशेस छोटी छोटी फिशेस इस पर फ़ीड करती हैं मॉस्किटो का लार्वा हैं टेटपोल के लार्वे हैं इन पर छोटी छोटी जो फिशेस हैं वो फ़ीड करती हैं और ये ट्रॉफिक लेवल थ्री में आती हैं और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं इसके बाद जो लार्ज फिशेस होती हैं वो स्मॉल फिशेस पर फीड करती हैं और यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल ये है फोर हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है और ये जो कंज्यूमर है ये है टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पर सो so, इस तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम में चलती है और यहाँ पर क्या है जो ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बिग ऑर्गेनिज्म की तरफ हो रहा है और ये जो फ़ूड चेन है ये प्लांट से स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की सेकंड एग्जाम्पल हमारा है फूड चेन ऑन लैंड या फिर ग्रास लैंड का ये एग्ज़ाम्पल है सबसे पहले ग्रास है जो कि ग्रीन इन नेचर है और ये प्रोड्यूसर्स हैं ये ट्रॉफिक लेवल वन में आएंगे ग्रास पर कौन फीड कर रहा है रैबिट रैबिट हमारा ट्रॉफिक लेवल टू में आएगा और ये प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि इसने सबसे पहले प्लांट्स पर फीड किया है इसके बाद फॉक्स आएगा जो कि रैबिट पर फीड करता है और ये ट्रॉफिक लेवल थ्री में आएगा और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है इसके बाद आता है लॉयन जो कि है टॉप कंज्यूमर और ये ट्रॉफिक लेवल फोर में आता है सो ये एक तरीके का ग्रेजिंग फूड चेन या प्रिडेटरी फूड चेन का एग्जाम्पल है जो कि लैंड में हो रहा है यहाँ पर भी जो फूड चेन स्टार्ट हुई है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हुई है और ये स्मॉल टू लार्ज ऑर्गेनिज्म मूव कर रही है अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी फूड चेन की जो कि है पैरासिटिक फूड चेन दिस फूड चेन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स बट इट गोज फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ध्यान रखिएगा ये जो फूड चेन है ये भी प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट हो रही है लेकिन ये लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करती है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर ट्री इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हमने लिया है एक बहुत बड़ा सा ट्री है तो यहां पर जो ट्री है वो ट्रॉफिक लेवल वन में आ रहा है और ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में उस ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट है जो कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं बर्ड्स हैं जो कि फीड कर रहे हैं प्लांट पर सो ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं और ये ट्रॉफिक लेवल टू में आते हैं इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उन पर फीड कर रहे हैं छोटे छोटे पैरासाइट्स उन बर्ड्स की बॉडी पर छोटे छोटे पैरासाइट्स प्रेजेंट है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ट्रॉफिक लेवल थ्री में आ रहे हैं सो ये पैरासिटिक फूड चेन का एग्जैंपल है जो कि लार्जर ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहा है एक बड़े ट्री से छोटे छोटे पैरासाइट्स की तरफ मूव कर रहा है सो ये हमारा पैरासिटिक फूड चेन है जो कि स्टार्ट तो होगी प्रोड्यूस यानी कि ग्रीन प्लांट से ही लेकिन जो इसका फ्लो होता है वो लार्जर टू स्मॉलर होता है अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टाइप की फूड चेन की जो कि है डेट्राइटस फ़ूड चेन या फिर इसे हम सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं ये फूड चेन हमेशा डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होती है यानी कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर डिकम्पोजस ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है सो ये फूड चेन हमेशा डिकम्पोजिशन से ही स्टार्ट होती है इसीलिए इसे सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कहा जाता है सो द चेन बिगेन्स विथ डेट्राइटस यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड गोज फ्रॉम देयर टू द डेट्राइटी वोर्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और उसके बाद ये लास्ट में प्रिडेटर्स तक पहुंचती है ये जो फूड चेन है ये सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से ही स्टार्ट होती है ये इस फूड चेन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस फूड चेन डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द सोलर एनर्जी सो so, अब हम बात कर लेते हैं डेट्राइटस फूड चेन के एग्जाम्पल की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन से स्टार्ट हो रहा है डेड मैंग्रोव लीव्स हैं यहाँ पर डेड मैंग्रोव वेजिटेशन है और उस पर बैक्टीरिया फंजाई और प्रोटोजोआ ग्रो कर रहे हैं और उस चीज़ को डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बाद इंसेक्ट लार्वी कुछ क्रस्टेशियंस और मुलस्क इन पर फीड करते हैं और फिर स्मॉल फिशेस हैं और उसके बाद स्मॉल फिशेस पर फीड करेंगी लार्ज फिशेस इसके अलावा फ़िश ईटिंग बर्ड्स हैं वो भी जो है इन स्मॉल फिशेस पर फीड करेंगी सो so, इस तरीके से ये डेट्राइटस फ़ूड चेन चलती है ये स्टार्ट हमेशा होगी डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही सो so, इसलिए ये ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन से डिफरेंट है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से स्टार्ट होती है जबकि जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन थी या फिर हमारी जो पैरासिटिक फूड चेन थी वो स्टार्ट हो रही थी प्रोड्यूसर्स से जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन पहला स्टेप है सो इन डेट्राइटस फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनी डायरेक्शनल यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है क्योंकि द वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर इन ईच ऑफ द कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल्स आर रिसाइकल्ड जितना भी यहाँ पर डेड और डिकेंग ऑर्गेनिक मैटर होगा हर स्टेप पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ होती है तो उसका जो डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर है वो भी डेट्राइटस फूड चेन के लिए बेस का, का काम करेगा फर्स्ट स्टेप का काम का का करेगा सो so इसलिए यहाँ पर यूनी फ्लो नहीं होता है यहाँ पर रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रियट्स की सो so, अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन की सो द स्टडी ऑफ फ़ूड चेन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फीडिंग रिलेशनशिप एंड द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन की स्टडी से हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है यानी कि उसका फ़ीडिंग रिलेशनशिप क्या है और उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है क्या रिलेशन है ये हमें फूड चेन बताता है इसके अलावा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ये हमें बायो मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम को समझने में भी हेल्प करती है बायो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेट हो जाता है ज़्यादातर ये आपको वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी फिशेज की बॉडीज में किस तरीके से हाँ, मेटल्स है या फिर टॉक्सिक कंपोनेंट है वो कंसंट्रेट होते चले जा रहे हैं सो so, इस प्रॉब्लम को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं और इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए फूड चेन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच